अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में है जी सर्दियों के सौगात संगाड़ा, इसको वाटर चेस्टनट्स भी कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि यह जो है ना घर में कैसे बॉयल करते हैं। सबसे पहले आपने मतलब कुकर ले लेना है, ठीक है, और इसको ना विदाउट वाटर बॉयल करते हैं, ठीक है, स्टीम में। तो यह मैंने सिंघाड़े कुकर में ऐड करती हैं और बस ये पानी का ना छिटा लगाना है थोड़ा सा। बस दो दफ़ा आपने छिटा लगा दिया, इनफ है। तो थोड़ा सा बस आपने छिटा लगा के और इस कुकर को तकरीबन 5 मिनट के लिए आपने जो है स्टीम पे छोड़ देना है। जैसे जैसे सीटीज़ की आवाज़ बोलेगी कुकर की, तो आपने करेक्ट 5 मिनट के बाद आपने जो है ना इसको बंद कर देना है और आपके सिंघाड़े जो हैं वो स्टीम में ही पक जाते हैं, ठीक है। सिंघाड़े बहुत कम लोग हैं जिनको जिसको मतलब पता होगा कि ये बहुत ही फ़ायदे वाली चीज़ है। अच्छा, ये बहुत जो है ना अगर आपको वीकनेस है उसको ख़त्म करता है, मोटा करने में मदद करता है। जो पतले लोग हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेल जो हैं वो 10 से 15 दाने अगर रोज़ खाएं तो उनकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है और इससे दांत वगैरह जो हैं वो बहुत ज़्यादा मज़बूत होते हैं। मसूड़े बहुत ज़्यादा मतलब गम्स, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये ड्राई फ्रूट आपको पता है वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। ये देखें जी, अब ये बिल्कुल मेरे 5 मिनट में गल गए थे और ये फिर मैंने आपको काट के भी दिखा दिए हैं। बस ये वाइट पार्ट जो है अब आप खा सकते हैं। कुछ लोग इसको नमक लगा के भी खाते हैं। ये सारे आगे जी बेनिफिट्स हैं, आप इनको जूम करके भी पढ़ सकते हैं। चलें जी, इंशाल्लाह मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। मैंने सोचा कि ये सर्दियों की सौगात जो है इसको बनाने का तरीका मैं आपके साथ जो है शेयर कर लूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। खुदा हाफिज़।